हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेडिंग अलॉट के एपिसोड 2 ज़िरोधा मास्टर क्लास के। आज हम बात करने वाले हैं कि ज़िरोधा का हमें डैशबोर्ड किस तरीके से दिखाई देता है लॉगिन करने के बाद, अकाउंट ओपनिंग के बाद। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हम आज वेब डैशबोर्ड की बात करने वाले हैं जो हम किसी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। अगर लैपटॉप टैब या आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं वेब पोर्टल ज़िरोधा का kite.zerodha.com, जब हम अभी जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे तब हम देखेंगे कैसे लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, कौन कौन सी चीजों का क्या यूज है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब और जिससे कि आगे की कोई भी वीडियो इस सीरीज की मिस ना हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। आपने अगर एपिसोड पहला नहीं देखा है जहां से आपको ज़िरोधा पे अकाउंट ओपनिंग के सारे प्रोसेस मैंने बता रखे हैं, तो जरूर आप जाके आई बटन पे जाके जरूर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस नेक्स्ट वीडियो को देखें और आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखते रहें। इसी तरीके से आप लोग प्लीज अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का सेकंड एपिसोड। आप सभी लोग देख रहे हैं कि अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। ये मैं बात कर रहा हूं डेस्कटॉप वर्जन की, मींस वेब वर्जन की। जब हम काइट को वेब वर्जन पे ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसका यूआरएल आप देख पा रहे हैं kite.zerodha.com। ये प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं जब हमारे पास ईमेल आईडी आ चुका है, यूजर आईडी आ चुका है हमारे ईमेल पे अकाउंट ओपनिंग के बाद। और अकाउंट ओपनिंग के बाद जो यूजर आईडी आया है वो इस तरीके से कुछ आपके पास भी आया होगा जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स होंगे, और उसके बाद आपने पासवर्ड रिसेट कर लिया होगा। आगे का प्रोसेस हम ज़िरोधा के अंदर लॉग इन करने वाले हैं और सारे के सारे हम चीजें देखेंगे कैसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इसका पूरा हमें डैशबोर्ड दिखाई देता है, वो सब कुछ हम आप आज वेब पोर्टल पे देखेंगे। और साथ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। तो हम हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया होगा, जिससे कि ज़िरोधा मास्टर क्लास की कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो और आप रेगुलर अपडेटेड रहें। वीडियो को लाइक कर भी कर सकते हैं जिनको भी लगे कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब चलते हैं, सबसे पहले यहां पे जो आपने पासवर्ड चेंज किया है वो पासवर्ड मैं यहां पे डाल रहा, और ऐसे ही आपको भी पासवर्ड डालना है, यूजर आईडी और पासवर्ड। फिर हमें क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मोबाइल ऐप कोड करके एक नंबर आ रहा है। अब सेबी की तरफ से ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये 2FA ऐप कोड एक है मोबाइल में भेजता है कि सबसे पहले जैसे मोबाइल में आपने काइट लॉगिन कर लिया होगा अगर, तो उसमें आपके पास एक, जैसे ही आप यहां वेब का किसी भी वेब ब्राउजर पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो नेक्स्ट आपके पास मोबाइल के ऐप में, जो काइट ऐप मोबाइल में आपके जो लॉगिन होगा वहां पर आपको तुरंत ज़िरोधा एक कोड भेजेगा। वो कोड को आपको यहां डालना होगा लॉगिन करने के लिए। जैसे मैं अभी स्क्रीन पर दिखा दूं, इस तरीके से कुछ आपके पास एक कोड आएगा, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, मैं ये दिखाता हूं ऐप कोड। देखिए ऐप कोड लिख के आ रहा है, ये मेरा मोबाइल में लॉगिन है और यही कोड हमें डालना होगा। ये कोड आपका फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम में चेंज हो जाता है, तो अगर आप ये ऐप कोड, जैसे मैंने इसमें देखिए डाला और हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही जो हमारा डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे साइड कर देता हूं जिससे कि आप चीजें क्लियर देख पाए, और कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखकर आ रहा है बेसिकली, और जो 44,500 रुपीज समथिंग इक्विटी में ये मेरा फंड इसमें पड़ा हुआ है। नीचे आपको होल्डिंग्स दिख रही हैं, जो भी आपने शेयर्स बाय किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखते हैं, और इन्वेस्टमेंट टोटल मेरा है 3,25,000 और अभी करंट वैल्यू उसकी 3,24,000 है, 1,000 का लॉस है। आप देख रहे हैं मार्केट इंडेक्स से फॉल कर रहा है, तो होल्डिंग्स में बहुत सारे लॉसेस आपको दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अभी सिनेरियो कुछ मार्केट डाउन का चल रहा है। साथ के साथ ऊपर की तरफ हम देखें तो यहां पर आपको बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे यहां पे निफ्टी का आपको एक रनिंग प्राइस भी दिख सकता है, अभी मार्केट क्लोज है तो क्लोज प्राइस दिख रहा है। साथ के साथ सेंसेक्स आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो दिख रही है ये एक वॉच लिस्ट है। मैं आपको ले चलता हूं वॉच लिस्ट में। यहां देखिए नीचे बॉटम में बिल्कुल नंबर्स पड़े हुए हैं 1। ये कुछ इस तरीके से वॉच लिस्ट आपकी ऐड होती है, जो 7 वॉच लिस्ट अब ज़िरोधा देता है। फिर सेकंड, यहां पर आप जिन शेयर्स को वॉच करना चाहते हैं, जिनके प्राइस को मॉनिटर करना चाहते हैं, वो सारे के सारे शेयर्स आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे मैंने फोर्थ नंबर पे इंडेक्स चार्ट्स ऐड करके रखे हुए हैं, जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। मैं इसको
एक बार रिमूव कर देता हूं मैं, दोबारा आपको ऐड करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारी वॉचलिस्ट खाली है, आप देख रहे हैं 0 to 50 जो है नंबर ऑफ आप इसमें शेयर्स या फिर कोई भी कोई ऐसी एंटिटी जिसको आप रिकॉर्ड करना मॉनिटर करना चाहते हैं वो यहां पे ऐड कर सकते हैं हर एक वॉचलिस्ट में। तो 7 वॉचलिस्ट है तो 7 into 50 मीन्स ऑलमोस्ट 350 शेयर्स को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे पहली वॉचलिस्ट में देखिए मैंने कई सारे शेयर्स ऐड कर रखे हैं, रिलायंस है, टाटा मोटर्स, IRCTC, ऐसे ही सेकेंड वॉचलिस्ट में कुछ है। जैसे आप चाहें तो कैटेगरी वाइज बना सकते हैं कि जैसे मैंने पहली वॉचलिस्ट में मिसलिनियस रखे हैं, सेकंड वॉचलिस्ट में आप देख रहे हैं ये सब आईटी कंपनीज हैं, और थर्ड वॉचलिस्ट में कुछ नए शेयर्स हैं जो छोटे प्राइस के शेयर्स हैं वो ऐड कर रखे हैं, स्मॉल प्राइस शेयर्स। फिर फोर्थ में मैंने अभी कुछ नहीं इंडेक्स यूज किया होता। चलिए यहां पे ऐड करते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 कुछ इस तरीके से आप यहां पे ऐड कर सकते हैं इंडेक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 मैंने सर्च किया, तो निफ्टी 50 का जैसे आप इस पे माउस होवर करेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इससे आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर इस साइड में साइड के पैनल पे आपको चार्ट उसका नजर आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है और डेप्थ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको यहां पे दिख जाएगी। और जो प्लस का साइन है, जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है उस प्लस के साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हमारी वॉचलिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी देखिए जैसे निफ्टी 50 हमारी वॉचलिस्ट में ऐड हो चुका है, और अब ऐड होने के बाद भी अगर आप चाहें तो यहां से दोबारा इसका चार्ट खोल सकते हैं, इसको वॉचलिस्ट से डिलीट कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शन है जैसे पिन कर सकते हैं, ये हमेशा टॉप पे रहेगा आपके वॉचलिस्ट में, अलर्ट लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आगे भी वीडियोज में करेंगे। आज हम डैशबोर्ड को समझना चाह रहे हैं, डैशबोर्ड किस तरीके से है, क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें दिखाई देती है। और अब मान लीजिए हमें बैंक निफ्टी को भी ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूं निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर हम ऐड करना चाहते हैं सिंपल अगेन हम प्लस पे साइन पे ऐड करेंगे और इस तरीके से हमारे पास निफ्टी बैंक भी ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज जो है इस तरीके से आप वॉचलिस्ट बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बना सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं और यहां से डिलीट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसा भी आप मूव करना चाहें। साथ के साथ अब आ जाते हैं इस तरफ के कुछ पैनल पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको क्या क्या ऑप्शंस डैशबोर्ड में मिलता है। मेनली हम डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपके पास है डैशबोर्ड, इसमें आपके पूरे अकाउंट के जो जो सिनेरियोज होंगे उनकी शॉर्ट समरी आपको यहां पे दिखती रहेगी। जैसे यू डोंट हैव अ कमोडिटी अकाउंट, अगर मेरा कमोडिटी अकाउंट ऐड होता, कमोडिटी अकाउंट पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जब हम इसको एक्टिव करेंगे तब। कमोडिटी में हम बेसिकली क्या ट्रेड करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें हम जो ट्रेड करते हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी की सारी ट्रेड होती है कमोडिटी अकाउंट में। उसकी ट्रेडिंग का टाइम भी अलग होता है, टाइम शेड्यूल भी अलग होता है, उनके सेशंस भी अलग होते हैं। वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको जरूर यहां पर लेकर आएंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। साथ के साथ यहां पर आपको इक्विटी, मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो भी आपका फंड बैलेंस रिमेनिंग होगा वो यहां पर दिखाएगा, और 1.03K ये आपको होल्डिंग्स दिखा रहा है, और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दूसरा टैब है ऊपर ऑर्डर्स का। जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे या आप कुछ बाई कर रहे होंगे या कुछ सेल कर रहे होंगे, अगर आपके ऑर्डर्स होंगे जो भी, वो सारे ऑर्डर्स आपको यहां दिखेंगे कि जैसे आपने बाई किया या सेल किया वो ऑर्डर आपको यहां दिखता रहेगा, आपने कितने टाइम पे बाई किया, कितने प्राइस पे बाई किया, वो सारी डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से ऑर्डर्स दिखते रहेंगे बाई और सेल के। साथ के साथ होल्डिंग्स देख सकते हैं, आप होल्डिंग्स में जो भी आप शेयर्स बाय करके होल्ड करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि दो चीजें होती हैं होल्डिंग्स और पोजीशंस। पोजीशंस वो होती हैं जो आप जिस दिन बाय करते हैं, जैसे आज मान लीजिए आज मार्केट ओपन होता है और मैं एक रिलायंस का शेयर बाय करता हूं, तो जैसे ही मैं बाय करूंगा वो उस दिन पर्टिकुलर जिस दिन मैं बाय करूंगा उस दिन के लिए वो आपको पोजीशंस में दिखता रहेगा, और नेक्स्ट डे वो आपका होल्डिंग में चला जाएगा। जब आप किसी भी शेयर या किसी भी ऑर्डर को, आप किसी भी पोजीशन को आप एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तब वो होल्डिंग्स में चला जाता है। उसके बाद ये आ गया फंड्स, जहां पर आपको एक्चुअली में फंड दिखाई दे रहा है कि आपका कितना फंड है, इक्विटी के लिए, कमोडिटी के लिए अलग हो सकता है, और इस तरीके से। बाकी ऐप्स जिनके बारे में मैं आपको बहुत पहले बात कर रहा, एपिसोड 1 में मैंने आपको बात भी की थी, इन सारी चीजों को हम यूज करके आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, और रेफरल लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर जो रिवॉर्ड मिलेंगे मैं इन ऐप्स को यूज करके आपके लिए कई सारी नई चीजें बता सकता हूं। और फिलहाल सबसे लास्ट में आपके पास है एक यहां पे एक नोटिफिकेशन टैब है, ज़ीरोधा की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे किसी डेज में ट्रेडिंग हॉलीडे होता है या फिर कोई नया अलर्ट आता है, कोई नया सर्कुलर आता है NSE की तरफ से या
बीएससी की तरफ से या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो सारे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है वो ज़ीरोधा या कोई भी ब्रोकरेज आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाता है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखते रहेंगे। सबसे लास्ट में टैब है आपकी प्रोफाइल, जहां पे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पे कंसोल, कंसोल मेन पार्ट है। कंसोल पे हम किसी दिन अलग एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, और साथ के साथ क्वाइन ऐप है, ज़ीरोधा का जो दूसरा ऐप है क्वाइन, जहां से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। म्यूचुअल फंड्स डिटेल्स, म्यूचुअल फंड स्टडी या म्यूचुअल फंड्स पर एक अलग वीडियो या एक म्यूचुअल फंड सीरीज शुरू कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड को कैसे पहचाने, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें हमें मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें हमें एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड सीरीज आप कमेंट करेंगे तो मैं एक कोशिश करूंगा नई सीरीज शुरू करने की, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से जैसे ज़ीरोधा तो मेन कंपनी हो गई, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए काइट ऐप है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के स्पेशली एक अलग ऐप है जो कि क्वाइन है। बाकी ज़ीरोधा का सपोर्ट आप यहां से ले सकते हैं, मींस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी क्वेरी है, आपको आप बात करना चाहते हैं, तो वो चीजें आप जिससे भी, जिस चीज से भी रिलेटेड है अपनी क्वेरी यहां पर देख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप फर्दर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आगे बात करें क्या है, इनवाइट फ्रेंड्स, आप किसी को चाहते हैं इनवाइट करना तो आप यहां से इनवाइट कर सकते हैं एक रेफरल लिंक लेकर। जैसे ये आपका, जैसे ये देखिए इस तरीके से ऐप्स होती हैं, रेफरल लिंक से आप करेंगे तो ये सारी ऐप्स को मैं एक्सेस कर पाऊंगा रिवॉर्ड मनी के साथ जो मुझे ज़ीरोधा देगा, आप अगर रेफरल लिंक से अकाउंट खोलेंगे, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अकाउंट ओपनिंग के लिए। और यहां से आप कुछ इस तरीके से कॉपी करके जो है अपना रेफरल लिंक दूसरों को दे सकते हैं, जो भी आप चाहें किसी को रेफर करना चाहते हैं ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपन करने के लिए। तो साथ के साथ कुछ जो मेन चीजें हैं मैंने आपको बता दी, लॉग आउट अगर आप करना चाहते हैं वेब से तो ये आपके लिए सिंपल एक बटन सबसे लास्ट में दिया हुआ है जिस पे आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये था आज पूरा डैशबोर्ड का, यहां से देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको चार्ट ओपन किया है और इसके बाद इस ये सारी चीजें क्या है, इस पर एक अलग आगे की सीरीज आएगी जिसमें हम इन सारी चीजों को बात करेंगे, जहां पे आप जैसे पॉपअप चार्ट खोलेंगे तो पूरा चार्ट एक सिंगल पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। इस चार्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, कैसे चार्टिंग का चार्ट लगाएं, इन्वेस्टिंग का चार्ट लगाएं, और कैसे इसको डार्क करें, कैसे लाइट करें, कैसे डार्क मोड, ये सारे चीजें, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करें, कैंडल के पैटर्न्स कैसे चेंज, सारी चीजें आएंगी नेक्स्ट सीरीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं मिलता हूं आपसे आगे और भी सारी डिटेल्स में बात करूंगा धीरे धीरे। आई होप कि आप सारी चीजें ज़ीरोधा के बारे में समझ रहे होंगे, तो अकाउंट बनाना मत भूलिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और पहला वाला पार्ट जरूर देखिएगा एपिसोड 1 जिसमें मैंने आपको बताया है वो सारे स्टेप्स जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आपके नॉलेज में कुछ ऐड हुआ होगा, और ज़ीरोधा पर जिस तरीके से हम धीरे धीरे सारी सीरीज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑर्डर को बाई कर सकते हैं, कैसे किसी ऑर्डर को सेल कर सकते हैं, कैसे शेयर्स को फाइंड कर सकते हैं, और कैसे शेयर्स को ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में, कैसे हम बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, तो हो गया। और उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं, जिसको हम GTT ऑर्डर बोलते हैं, ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। लाइन से देखते रहिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी आगे वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में नेक्स्ट सीरीज में। चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।